घोषित करो वीर। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। नमस्ते, यहां अजमेर की ऑल प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑल स्कूल से पेरेंट्स आए हैं, और जो अभी मुद्दा चल ही रहा है पूरे देश भर में कोरोना को लेकर, जो इतना डाउन आया है मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल के लिए, लो मिडिल के लिए, जो फीस का मुद्दा उठाए, वो फीस का मुद्दा चल ही रहा था, इतने में सरकार ने एक ऑर्डर और निकाल दिए, वो 1 जुलाई से बच्चों का स्कूल ओपन के, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे सबके लिए एक होते हैं। ओके, आज जैसे ही हम लोग ने कलेक्ट्री में ओपन अंदर एंटर किया, तो कलेक्टर साहब का कहना था कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं मालूम क्या, तो मैं कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि जब कल प्रमोद जैन भाया साहब आपके यहाँ पर आए थे, तब आप लोग शायद सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए थे, या आप लोगों को देख के सोशल डिस्टेंसिंग बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। आज पेरेंट्स इतना दुखी हैं, परेशान हैं, धूप में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने बच्चों के इमोशन से जुड़े हुए हैं वो, और आप लोग सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने इतना रूडली बिहेव किया अंदर। मैं अकेली पेरेंट्स में अंदर सर से बात करने गई थी, मैंने उन्हें प्रॉब्लम बताई कि बुक्स की रेट बढ़ी है, प्लस हर स्कूल ने इस साल कम करने की बजाय या बंद करने की बजाय स्कूल की फीसें बढ़ाई हैं। स्कूल की फीसें कम से कम किसी स्कूल में 10% बढ़ी है, तो किसी स्कूल में 17% तक स्कूल की फीसें बढ़ी है। तो सर मुझे कहते हैं अंदर कलेक्टर साहब कि मुझे इन सब आपकी बातों से मतलब नहीं है, जो भी जिस स्कूल से प्रॉब्लम है आप लिख के लेकर आइए। तो बात अगर लिखित की है तो 1 महीने पहले लिखित में भी दिया था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हम कितने पेपर्स आपको लिख के देंगे, आपने पहले भी इतने पेपर्स लिख के गए, एक एक जने ने 250 एप्लीकेशन तक दी है, मेरे सामने 250 तक एप्लीकेशन दिए, उन 250 में से शायद 250 एप्लीकेशन का भी रिप्लाई नहीं आया है। तो अब हम आपको और क्या लिखित में दें, बुक्स वालों ने 15,000 रुपये की बुक सेट, 7,000 रुपये की बुक सेट, स्कूल वालों ने फीस इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा कर दिया है, ऊपर से माफ़ नहीं, ऑनलाइन क्लासेस, वैसे हम बच्चों को कहते हैं कि आप मोबाइल के सामने मत जाइए, अभी बच्चों के कई मेडिकल बच्चों की रिपोर्ट्स मेरे पास आई है कि 6-7 क्लास के बच्चों को सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम आई है, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, किसी बच्चे को एकदम से बहुत ज़्यादा हेडेक्स की प्रॉब्लम आ गई है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ गई है ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा। ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के बेनिफिट के लिए नहीं है, एक्चुअल में मदर्स को बैठना पड़ रहा है उसके लिए, मदर्स को अपना काम छोड़ के मदर्स को बैठना पड़ रहा है, इसमें बच्चों को तो नुकसान ही है, बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, इससे अच्छा हम ट्यूशन क्लासेस देके वो ट्यूशन वाली मैम को 2,000 देंगे ना। कौन से स्कूल से है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? हम यहाँ पे ऑल स्कूल से हैं, यहाँ ऑल स्कूल के पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मैं पर्टिकुलर किसी स्कूल का नाम लेके उसको शो नहीं करूँगी, यहाँ पर सारी ऑल स्कूल के पेरेंट्स हैं और सबकी सेम प्रॉब्लम है, सबकी सेम प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को समझिए। हम भी कोरोना से डरते हैं, ऐसा नहीं कोरोना आप लोगों को ही लगेगा, कोरोना हमको भी लग सकता है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमको रोड पे उतरना पड़ रहा है, जो शायद हमारी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी हम लोग आ रहे हैं ना तो सिर्फ अपने बच्चों के इमोशंस के लिए, और आप अंदर एसी में बैठ के हमको समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, और अगर इतना है अगर नहीं और अगर इतना है ना, अगर इतना है तो आप पेरेंट्स से बाहर आके मिलिए ना, आप एक जगह खड़े रहिए, पेरेंट्स अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग, आप अंदर नहीं बुला सकते, तो मैं ऑल पेरेंट्स की तरफ से एक महिला हूँ, एक पेरेंट्स हूँ, बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लोगों के जो काम धंधे हैं सारे ठप हो चुके हैं, तो जो अभिभावक थे उनको एक प्रॉब्लम थी कि फीस किस प्रकार से देंगे, और हमारे एक प्रॉब्लम और है कि क्वार्टरली या इस तरीके से फीस ली जाती है तो वो बहुत भारी पड़ती है, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी क्योंकि एक संवेदनशील पार्टी है तो उन्होंने इस दर्द को समझा, और हम लोग सबसे पहले एक तो ये डिमांड लेकर के आए हैं कि ये 0 ईयर डिक्लेयर किया जाए 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, 9th, 10th, 11th और 12th के जो बच्चे हैं अगर उनको ऑनलाइन उनकी क्लासेस ली जा रही हैं तो उस क्लास का क्या फीस होनी चाहिए ये सरकार डिसाइड करे, ना कि प्राइवेट स्कूल्स डिसाइड करें, और जो बैग बस्ता और मास्क और चीज़ों पे जो अननेसेसरीली इन लोग बढ़ा चढ़ा करके वो पैसे लेते हैं उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल हो, और साथ ही ऐसे बहुत 7 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने इनसे जवाब सरकार को हमने ज्ञापन दिया है कि इन लोगों के आम आदमी के फेवर के अंदर वो बात करें। कुछ नहीं, ज्ञापन देने गए थे तो कलेक्टर साहब को थोड़ा सा हम तो 2 जने थे पार्टी की तरफ से, कलेक्ट 2 पेरेंट्स साथ में आना चाह रहे थे तो कलेक्टर साहब रुष्ट हो गए और उनको ये लगा कि शायद फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था,
कलेक्टर साहब शायद ये भूल गए कि कल मंत्री महोदय आए थे, और मंत्री महोदय जब आए तो कलेक्टर साहब स्वयं फिजिकल डिस्टेंसिंग भूल गए थे। कलेक्टर साहब इन लोगों को, किसी को समझ में नहीं आया कि सब जने जब इकट्ठा थे तो वो क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग थी या फिजिकल डिस्टेंसिंग को तोड़ करके पास आने की मुहिम थी। तो सरकार के सामने तो हम दुम हिलाते हैं और जनता के सामने हम शेर बनते हैं, ये सब नहीं चलेगा। इनको याद रखना पड़ेगा कि जनता जो है वो मालिक है और जनता से बोलने का तरीका और सलीका होता है।